फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वैंसी एंड आशु व्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। दोस्तों, आज है 9 सितंबर और दिन है फ्राइडे का और वक्त है सुबह का। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत करते हैं एक और अच्छे से मोटिवेशनल मैसेज के साथ, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, कोई भी रास्ता नहीं बचा, मतलब अब कुछ बचा ही नहीं, तो याद रखना दोस्तों कि ये वही पल है, ये वही टाइम है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। इसीलिए हमें कभी भी ना अपना कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए, कोशिश करते ही रहना चाहिए, तभी जाके हमको सफलता मिलेगी। क्या पता ऐसा हो कि आपने एक टाइम पर आने के बाद, एक पॉइंट पे आने के बाद आपने वो कोशिश करना बंद कर दिया। हो सकता है वही पॉइंट आपकी, वही जो आप उस जिस रास्ते पहुँचे हो, जिस मोड़ पे पहुँचे हो, सकता है उसी मोड़ से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो और आपने वहाँ से वापस यू टर्न ले लिया, है ना। तो इसीलिए कोशिश कभी भी करना बंद नहीं करना चाहिए और सफलता जरूर मिलेगी, ये अपने अंदर दृढ़ विश्वास करके रखिए। जरूर सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी अगर आपकी जो मेहनत है वो 100% होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं और फिर ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो भी पॉजिटिव रहे और आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे और पॉजिटिव रहे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ऑलरेडी ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह अपना घर का सारा काम करके, नहा धो के, एक्सरसाइज करके और फिर आ गई मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ऑमलेट और ब्रेड सेक रही हूँ और साथ साथ ही मैं चाय बना रही हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि मुझे सुबह थोड़ा सा लेट हो गया सोकर उठने में। लेट क्या, वैसे तो मैं ज़्यादातर 6:30-7 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं उठी हूँ 7:30 बजे। 7:30 क्या, 7:40 हो रहा था मैं तब उठी हूँ। आँख लग गई मेरी और सुबह मौसम भी अच्छा हो गया था, बारिश जैसा मौसम हो गया था ना, तो पता नहीं चला आँख लग गई थी। लेकिन उठ के मैं झटपट मैंने अपना सारा काम जल्दी से निपटा लिया और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं डेली ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसी टाइम पे आज का भी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आपको लेट हो जाए ना, तो भी आप काम को किस तरह से मैनेज करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कि आज मैं लेट सो के उठी हूँ, फिर भी मैंने जो भी मेरा काम है आज वो मैंने टाइम पे कर लिया है, क्योंकि अभी हस्बैंड को जाना था बाहर काम पे, इनको आज सुबह जल्दी जाना है, मतलब 8:30 बजे इनको निकलना था। तो फिर मैंने झटपट इनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है और अपने लिए भी बना लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ कि मैं चाय छान रही थी ना भगोने में, वैसे क्योंकि थोड़ा सा दूध भगोने में बचा हुआ था ना, तो मुझे लगा कि क्या नया बर्तन यूज़ करूँ, मैं इसी भगोने में चाय बना लेती हूँ। तो भगोने में थोड़ा सा पकड़ने से हाथ लेते हैं सुबह की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, तो थोड़ा सा हाथ मेरा हिल गया तो चाय गिर गई थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। तो फिर यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, हस्बैंड जी ने भी नहा धो लिया था, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के बस वो बैठे हैं और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तुरंत निकल जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 8:30 बजे उनको जाना है। तो मैंने तो अपना काम भाई टाइम पे कर दिया है, अब उनको 8:30 बजे जाएं, वो 9 बजे जाएं, ये उनकी मर्जी है। तो फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं घर के बाकी काम करूँगी तब तक ये जो मेरे कपड़े हैं ये भी वॉश हो जाएंगे। और मैंने कल कपड़े नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, पूरा एक ही बाल्टी कपड़ा आज हो गया है कल का और आज का मिला के। तो मैंने वो मशीन उधर लगा दी है और मैं आ गई हूँ किचन में, जो भी ब्रेकफास्ट किया है ना, तो वो सब जो बर्तन वर्तन है वो थोड़ा सा वो भी झटपट मैं वॉश कर देती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि सिंक भर जाता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत दो तीन टाइम का बर्तन हो जाए फिर मैं वॉश करूँ, तो जैसे जैसे बर्तन होते रहते हैं मैं वैसे वैसे वॉश करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा सिंक हमेशा साफ़ रहता है और मेरा किचन भी साफ़ रहता है। और आपको वो साइड में प्लेट में लाल रंग का कुछ दिख रहा होगा, वो एप्पल रखा हुआ है, वो मैंने फ्रिज से ना बाहर निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना फ्रिज में, तो मैं निकाल के थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ ताकि ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे जब मैं बर्तन धो रही थी ना, फिर हिमांशु चले गए अपने काम पे और ये जो एप्पल था वो मैंने काट के अब मैं खा रही हूँ, क्योंकि घर के साथ घर का ख्याल रखते रखते हम लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और अपना सेहत का तो हाउसवाइफ खासकर बिल्कुल भी ध्यान, तो हमें ना अपने ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ जल्दी से आप लोगों से छोटी सी चिटचैट करने के लिए, हाय हेलो बोलने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, और फिर अभी मैंने बस आपने देखा, मैंने अभी जस्ट मैंने एप्पल खाया, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने एक ब्रेड खाया है, एप्पल खाया है, और सुबह मैंने भाई पानी भी नहीं पिया, चाय भी पिया, तो मैंने सुबह का जो मेरा काम हो चुका है, खाने पीने का जो काम है तो वो सब हो चुका है। और देखिए आज मैंने ये वाली इयररिंग्स पहनी है, कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। ट्रेंडी भी है ना, आजकल ये बहुत चल रही है ना, तो मैंने इसको 3-4 महीने पहले लिया था, अमेजोन से मंगवाया था, तो मुझे ना 120 रुपये में शायद, हाँ शायद 120 रुपये में ना मुझे 5 इयररिंग्स मिली थी, पूरा एक सेट आया था तो उसके अंदर ही पूरी 5 इयररिंग्स थी तो मैंने मंगा लिया, तो ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो ये हो गया, इयररिंग्स पहनी है। और मुझे बताना आजकल मेरा फेस थोड़ा सा ग्लोइंग कर रहा है क्या, देखो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है क्या मेरा फेस, आप लोग मुझे बताना, जो लोग मुझे पुराने जो पहले से देख रहे हैं, और अभी क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है मेरे फेस पे तो क्या ये ग्लो मेरी खुशी का है मुझे लग रहा है कि मेरे ना खुश होने की वजह से मेरा चेहरा चमक रहा है तो चलिए बस यही आपको बताना था। अभी मैं जाती हूँ, देखिए नेल पेंट जो मैंने कल लगाई थी बहुत अच्छा लगता है ना जब नेल पेंट लगा लो, थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो बहुत अच्छा अच्छा फील होता है ना, खुद में बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब तैयार होके अब करते हैं घर की क्लीनिंग। तैयार होने के बाद तो काम तो करना ही करना, ऐसा तो ही नहीं तैयार होके बैठे रहना, काम तो करना ही है। काम करना अच्छा भी लगता है, काम करने में रहो अपना बिजी रहो अच्छा होता है। तो अभी मैंने घर की जो साफ सफाई झाड़ू पोछा तो कर लिया था, लेकिन मैंने ना डस्टिंग नहीं किया था, तो अब भी मैं जाके डस्टिंग करती हूँ। और पता है आज मैंने ना हिमांशु की टी शर्ट पहनी है, और शॉर्ट्स तो मैंने अपने ही पहना हुआ है, लेकिन मैंने टी शर्ट इनकी पहनी हुई है। तो टी शर्ट लंबी है, तो कभी कभी ना वीडियो में मैंने बाद में देखा कि कभी कभी नीचे तक आ जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टी शर्ट ही पहनी है, लेकिन मैंने अपना शॉर्ट्स भी पहना हुआ है, वो इनकी टी शर्ट है ना, इसलिए वो इतनी लंबी है, मुझे लगा बता दूँ। तो फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। बाहर मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ कर दिया, और ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमक गया है। डस्ट थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो मैं डेली थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ पानी, क्योंकि बीच बीच में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, काम के साथ साथ पानी भी पीते रहना चाहिए, क्योंकि इतना पसीना होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तो फिर पानी भी पीते रहना चाहिए। तो फिर अभी मेरा टाइम हो गया है लंच बनाने का, अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज मैं लंच में वही सब्जी दाल वगैरह बनाऊंगी। तो सब्जी जो तोरी की सब्जी है ना, जो हमारे यहाँ तो इसको सरपिया बोलते हैं, और वैसे तो मार्केट में तरुई ही बोला जाता है, लेकिन मेरी मर्जी में ना सरपिया बोलते हैं, तो मैं उसको काट के और उसको छीन के उसी की सब्जी बनाऊंगी। पसंद बन जाता है। और यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, धुल चुके हैं, मशीन कपड़े सूख गए थे, कपड़े धुल चुके हैं जब तक मैंने उधर सब्जी वगैरह काटा, क्योंकि बस आधे घंटे लगते हैं कपड़े वॉश करने में, सिर्फ आधे घंटे का ही टाइमर लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े तो जो डेली पहनते हैं ना वो इतने गंदे तो होते नहीं है, तो जल्दी से ही वॉश हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए, और ये कपड़े भी सूख जाएंगे इधर। और फिर मैं इधर आ गई हूँ किचन में, इधर मैंने चढ़ा दी है दाल, तो आज फिर से वही अरहर की दाल चढ़ा दी है मैंने। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, क्या रोज इसके घर पे अरहर की दाल बनती रहती है, मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को यही दाल पसंद है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने सब्जी में ना 1 टीस्पून ऑयल डाला है बस, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, मतलब इतनी सी सब्जी है ना तो इतना तेल बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर मैंने उसमें डाल दिया मिर्चा, और जब मिर्चा चटक गया तो मैंने उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के भून दिया है, फिर उसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, प्लेन सब्जी बनेगी। और फिर उसमें मैंने डाल दिया सब्जी को, अच्छे से कर दिया मिक्स, क्योंकि सब्जी में रोज़ इतना मसाला वगैरह रोज़ नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। तो यहाँ पे दाल भी बन रही है, इधर सब्जी बन रही है, तो मैं थोड़ा सा किचन को कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि किचन साफ ही रहे, तो ये मेरी आदत सी हो गई है। और मैं यहाँ पे फिर से पानी पीने लग गई हूँ, बीच बीच में ना मैं पानी पीती रहती हूँ, इसलिए मैं भी आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, ताकि आप लोग भी अगर कम पानी अगर कोई पीता है तो वो भी देख के पानी पीने लग जाए, इसलिए मैं कैमरे में दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं पानी पीती ही रहती हूँ, एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे सब्जी बन गई थी, तो मैंने सब्जी को बहुत जलाया सुखाया नहीं है, क्योंकि ना जो हरी सब्जी होती है ना उसको अगर बहुत सुखा दो तो उसका जितना भी न्यूट्रिशन है सब निकल जाता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से सब्जी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ, तो अभी मैं सिर्फ ऑस्कर और रैम्बो की रोटियाँ बनाऊँगी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए अभी नहीं बनाऊँगी, वो अभी जब आ जाएंगे ना तब मैं बनाऊँगी।
तो यहाँ पर खाना वाना मेरा बन चुका है और मैं फिर से किचन को कर देती हूँ क्लीन, पोंछ देती हूँ। बहुत गंदा नहीं था, बस हल्का हल्का कपड़ा ऐसे मार दो तो किचन साफ हो जाता है। तो यही फ़ायदा होता है जब बीच बीच में सफाई करते रहते हो ना, तो आपका काम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बहुत मैसी नहीं होता है। तो ऊपर का प्लेटफॉर्म साफ करने के बाद ये जो कैबिनेट के डोर्स है ना, मैं इसको भी थोड़ा कपड़े से साफ कर देती हूँ, ताकि जैसे हैंडल वैंडल पकड़ो थोड़ा गंदा हो जाता है तो उसको भी साफ कर लेना चाहिए, कि जिससे आपका किचन हमेशा साफ सुथरा और चमकता हुआ लगे। तो वहाँ पे सब कुछ करने के बाद ये जो बर्तन थे, थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, आपने देखा ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे थे मुझे वो बर्तन वॉश करने में। तो वहाँ पे मैंने जो बर्तन थे वो भी वॉश कर दिया और इस सिंक को भी वॉश कर दिया है, और ये जो किचन का कपड़ा है इसको मैंने धो के बाहर डाल दिया खिड़की पर, ताकि वो सूख जाए। और फिर यहाँ खाना वाना बनाने के बाद मैंने सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो बंद कर दिया है मैंने, फॉर सेफ्टी हमेशा बंद कर देना चाहिए खाना बनाने के बाद। और मैं यहाँ पे जो किचन का फ्लोर है मैं उसको भी एक बार पोछा लगा देती हूँ, सुबह तो पोछा लगाया था लेकिन एक बार खाना बनाने के बाद फिर से लगा देती हूँ, ताकि किचन का जो फ्लोर है वो भी एकदम साफ रहे। और ये जो बाहर का एरिया है ना, तो आज मैं वैसे तो मैं सुबह रोज़ धो देती हूँ, लेकिन आज सुबह यहाँ पे पानी नहीं आया था, अभी जाके यहाँ पे पानी आ रहा है, तो फिर मैं अभी इसको वॉश इसे मैं पानी से बस ऐसे 2-3 बाल्टी पानी मार दूँ तो ये पूरा साफ हो जाता है। और वो जो बगल में फटा हुआ सोफ़ा रखा है ना दोस्तों, मेरे हस्बैंड उसको फेंक ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मैं इसको दूसरा बनवाऊंगा, वो पता नहीं कब इसको ठीक करवाएंगे, और इतना गंदा लगता है ना उधर रखा रहता है, तो लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे फेंकने भी नहीं दे रहे। और फिर यहाँ पे मैंने बाहर धुलाई कर दी है। और ये जो वीडियो है ना, ये कॉफ़ी वाला, ये कल का वीडियो है, लेकिन मैंने कल मैंने ब्लॉग में ऐड नहीं किया था, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आज इसको ऐड कर रही हूँ। तो मैं अब आज आपके साथ कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ले ली है जो नेस्कैफे की कॉफ़ी आती है ना, वो मैंने ले लिया है। तो मैं इसमें 4 बड़े चम्मच उसमें जो मिक्सी का जार है उसमें 4 बड़े चम्मच मैंने कॉफ़ी डाल दी है, और मैंने 3 टीस्पून चीनी डाल दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से। तो मैंने 3 टीस्पून चीनी डाला है, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी पानी, बिल्कुल नाप के ही मैं डालूंगी। तो इस तरह से कॉफ़ी जो आप बनाओगे ना, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनेगी और बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनती है, जैसे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी मिलती है ना बिल्कुल वैसी कॉफ़ी बनती है। तो उसको फिर जार में उसको करने के बाद मिक्सी में ना, आपको जब मिक्सी को पल्स मोड में चलाना है, पल्स मोड क्या होता है कि लेफ्ट साइड से करके फिर राइट साइड में इस तरह से कई बार करके आप उसको चलाएंगे ना, तो बहुत अच्छा इसका जो कलर भी चेंज हो जाएगा, क्रीमिश कलर हो जाता है। तो और उसके बाद मैंने देखिए बना लिया है, अब मैं उसको एयर टाइटनर डब्बे में रख के इसको मैंने फ्रिज में रख दूंगी स्टोर करने के लिए। आप इसको 10 दिन तक भी काम बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे मैं अपने लिए भी कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, तो उसी वाले जार में मैंने दूध डाल दिया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कॉफ़ी चिपकी हुई थी, तो मेरी कॉफ़ी बन के तैयार है। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर देखिए कितना फ्रॉदी लग रहा है ना, और नीचे पूरी कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी शॉप में ऐसे ही कॉफ़ी मिलती है, आप चाहे ना तो दूध में आइसक्रीम डाल के आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। मैंने फ़िलहाल आइसक्रीम नहीं डाली है, और इतनी टेस्टी कॉफ़ी लग रही थी ना हस्बैंड जी को, दे उनको तो वो तो मेरे हाथ की कॉफ़ी के दीवाने हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है ये कॉफ़ी। तो दोस्तों आइए आप लोग भी कॉफ़ी इन्जॉय कर लीजिए मेरे साथ। तो प्लीज़ आप इस कॉफ़ी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना आप, और मुझे बताना कि आपकी कॉफ़ी कैसी लगी। तो फिर बस मैं यहाँ पे सब काम धाम निपटा के आराम से पंखे के नीचे मैं बैठ गई हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़ा सा सुस्ताऊँगी, मतलब हमारे में आराम करने को सुस्ताना बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा सुस्ताऊँगी, फिर उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी। अभी लंच, अब हस्बैंड आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो आ जाएंगे ना, तो फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे। तो मैं तब तक अपना कॉफ़ी पीऊँगी, और ये वीडियो है ना मैं इसको बस बैठे बैठे अभी मैं एडिट कर दूँगी, ताकि आप लोगों को टाइम पर मेरा वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मैं आपको मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।